लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कल दिन में चंदनवाड़ी पुलिस ने कई नाजायज जुए के अड्डों पर छापा मार के 25 जुए की मशीनें और बहुत सा नाजायज माल बरामद किया। इन सब अड्डों का मालिक लोटिया पठान फरार हो चुका है। पुलिस उसकी तलाश में शहर का कोना कोना छान रही है। समाचार समाप्त हुए। इन लौंडों ने तो अपना पूरा कबाड़ा कर दिया लोटिया बादशाह। अब कहाँ जाएंगे बादशाह? इन लोगों ने तो हमें आसमान से उतार कर खाक में मिला दिया। बबन ने जो किया वो बबन पर मेरा कर्ज है, और पठान दुनिया छोड़ सकता है कर्जा नहीं छोड़ता। बबन को ये कर्जा अपने खून की एक एक बूंद से चुकाना होगा। मोहिनी, 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 मुन्ना से जब भी जेल में मिलने जाती हो तुम्हारे बारे में ही पूछता है। सर, तुमसे मिलने के इंतजार में एक एक दिन गिन रहा है वो। मिलोगी ना मोहिनी? मिलोगी ना? मिलोगी ना? वहां सक्सेना रिहर्सल के लिए तेरा इंतजार कर रहा है। सारी लड़कियां आ चुकी हैं और तू यहाँ किसका इंतजार कर रही है? तेरा खजम आने वाला है क्या? बिल्कुल सही समझा आपने। आज मुन्ना जेल से छूट रहा है, वो सीधा यहीं आएगा। यहाँ आएगा तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। चुपचाप चलने की तैयारी कर। मर जाऊंगी मगर यहाँ से नहीं हिलूंगी। उस कमीने के लिए अपनी जान दे सकती है लेकिन अपने बाप के लिए जी नहीं सकती। मैं भी देखता हूँ तू कैसे नहीं चलती। मैं आज नहीं नाचूंगी। अरे नाचेगी कैसे? नहीं, तेरा बाप भी नाचेगा। छोड़ मुझे। इस घर तक तुम्हारा मुन्ना कभी नहीं पहुँच पाएगा, समझी? जब तक तू नाचने के लिए तैयार नहीं होगी तब तक यहीं पड़ी सड़ती रहेगी। देखता हूं तेरी अकड़ भूख और प्यास के आगे कब तक टिकेगी। गुजारा है क्या? क्या काम है? चल बाहर गेट पे। चल हाँ। ज्यादा बदमाशी मत। मोहिनी, मैं ऐसा फंसाऊंगा कि जब सियार नानी याद आएगी। हट जा मेरे रास्ते से। जेल तो एक बार जाने। पैसे? अरे मेरे पैसे। मोहिनी, क्या करता है? अब मोहिनी कभी नहीं मिलेगी। मोहिनी, अरे मोहिनी मोहिनी क्या चिल्लाता है? जवाब दो मोहिनी। हाँ चिल्ला, और तो फिर चिल्ला। मोहिनी, 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 अरे पैसे नीचे। श्यामलाल, अब तू हम दोनों को ज्यादा देर जुदा नहीं रख सकता। अगर तूने उसे पाताल में भी छुपा रखा होगा ना तो मैं जमीन फाड़ कर वहां से भी निकाल लाऊंगा। तुम आ गए मुन्ना, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। पिताजी कहते थे तुम मुझे नहीं ढूंढ सकोगे, मगर मुझे विश्वास था कि तुम मुझे जरूर ढूंढोगे मुन्ना। मुन्ना तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना? हाँ मुन्ना। बेवकूफ लड़की, तेरा मुन्ना कभी वापस नहीं आएगा। क्या हुआ मेरे मुन्ना को? सुना किसी ने बड़ी बेहरामी से तड़पा तड़पा के खून कर दिया। झूठ बोले आप। तेरा मुन्ना मर गया है। नहीं, पहले उसकी धीरे धीरे एक एक करके उंगलियां काट दी गई। अगर तू वहां होती तो देखती जहां उसकी उंगलियां थी वहां मांस का सिर्फ एक लोथड़ा रह गया। फिर एक एक करके उसकी टांगे काट दी गई। बेचारा चिल्ला रहा था मुझे छोड़ दो, मुझे अपाहिज मत करो, लेकिन कुल्हाड़ी के एक ही वार से 5 फुट 10 इंच का मुन्ना 3 फुट 2 इंच का रह गया। और आखिरी बार जब कुल्हाड़ी उसके सीने पर उतारी गई तो छटपटाते हुए मुन्ना के मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज बार बार निकल रहा था, मोहिनी मोहिनी मोहिनी। अगर तुम वहां होती तो देखती जो खून उसकी रगों में बह रहा था वो धीरे धीरे सारी सड़क पर फैल गया और जाया हो गया। निकाल दिया साले को। क्यों? हरामजादे ने मेरी दुकान लुटवा दी। जिसे देखो वो उसे चने के झाड़ पर चढ़ा रहा है और मुफ्त में चाय पानी नाश्ता उड़ा रहा है। पूरे 145 रुपए उड़ा दिए मेरे। अगर वो यहाँ नजर आ जाए तो टांगे तोड़ दूं साले की। मुन्ना भाई, क्यों बे? फिर यहाँ आ गया? देखो सेठ जी, मैं कस्टमर की हैसियत से आया हूँ, अगर चाय पीने को कहता हूँ तो मैं पैसे भी देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये लो पैसे लाओ। नाश्ता नहीं करेंगे सेठ जी? 2 ऑमलेट लाओ। 10 रुपए। ना नाश्ता मिलेगा ना चाय, बाकी रह गए 135। हैं?
मुन्ना भाई मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था, आपके लिए घर पर भी होकर आया। क्यों? आपको मोहिनी की तलाश है ना? हाँ। मुझे पता है मोहिनी कहाँ है। मोहिनी? तुम्हें कैसे पता चला? मैं जिस जगह काम करता हूँ ना उसी के बगल में एक मकान है, वहीं पर उन्होंने मोहिनी को बंद करके रखा हुआ है। रोकड़ा रोकड़ा जो में उधर नहीं चलता है। चला कि मैं यहाँ कैद हूँ। वो अपना गुलदस्ता ने कैंटीन वाला उसने बताया। वो सिंगर? हाँ। लेकिन कुछ दिन पहले तो मैंने उसे पिताजी से मिलते हुए देखा। गुलदस्ता को? हाँ। मुझे कुछ खतरा लग रहा है, ये जरूर किसी की चाल है। ठहरो मैं देखता हूँ। मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। नहीं, मुझे डर लगता है। कितनी मुश्किल से काटा है मैंने एक साथ। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं अकेली नहीं जी पाऊंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ कैसे? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम यहाँ से जाओ प्लीज, तुम्हें मेरी कसम, चले जाओ यहाँ से। आपने तो मुझे बिल्कुल मरवा दिया श्यामलाल जी। मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, मोहिनी और मुन्ना की खबरें लगातार आपको देता रहा, मुन्ना को फंसवाया, लेकिन आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो जाने दीजिए किसी ऑर्केस्ट्रा पार्टी वाले तक से मुझे नहीं मिलवाया। अरे मिलवा देंगे भैया। अरे अब क्या खाक मिलवाएंगे, कल रात मुन्ना पुलिस को दाव देके निकल गया, अब सुना है वो मेरी जान के पीछे लगा हुआ है। अरे भाई तुम इतना डरते काहे हो, वैसे भी उस पर घर में डाका डालने का केस पड़ चुका है, पुलिस उसके पीछे है, और तुम्हें इतना डर लगता है ना, तो ये लो पैसे और तुम ऐसा करो गांव चले जाओ। नहीं श्यामलाल, गुलदस्ता गांव नहीं पुलिस स्टेशन जाएगा। मामा मुझे मरवा दिया ना। ये रहा मेरी बेगुनाही का सबूत, पूछ लीजिए इससे कि सच्चाई क्या है। साहब मुझे मारो मत साहब, मैं तो सिंगर हूँ साहब, मैं सब बता दूंगा साहब, सब सरकार सब बता, ये सब बदमाशी असल में सरकार श्यामलाल की है, पूछ लो है ना, बोल लो। राजगोपाल। यस सर। बयान दो इसका। चलो चलो मैं चलो बता दूंगा ना साहब, मेरे को काले जा रहे। बैठिए सर, आप नहीं जानते ये श्यामलाल किस हद तक बदमाश है। अच्छा? पिछले साल ही उसने इंस्पेक्टर साहब ये तो गुलदस्ता की चिल्लाने की आवाज है। चिल्लाओ मत, ये पुलिस स्टेशन है, कोई कॉलेज की कैंटीन नहीं। लेकिन वो इसे पीट रहे हैं सर, ये सरासर गलत है। क्या सही है और क्या गलत है हम अच्छी तरह जानते हैं, समझे? लेकिन किसी गवाह का बयान लेते वक्त उसे पीटने का ये नया कानून निकला क्या? Shut up! How can you do this to him? How? ये रहा उसका बयान, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, और ये रहे पैसे जो मुन्ना और उसने श्यामलाल के घर से चुराए थे। ये क्या हो रहा है सर? चुप कर, बंद करो इस गुंडे को हवालत में। You bastard! That fine duplicate me, boy! Because I'm not coming back!
श्यामलाल से, श्यामलाल से रिश्वत खाइए, खाइए कि नहीं बोल, खाइए कि नहीं, साला तुम जैसे लोग इस देश को बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, हाथ खाली है, पुलिस पे हाथ उठाता है हाँ। सरकारी कुत्ते, तू साले मुझे बेल से मारेगा। गवाहों के बयानात, चश्मदीद गवाह और तमाम तहकीकात के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि महेश देशमुख उर्फ मुन्ना 14 फरवरी की रात को मूलचंद कोचर के घर में डाका डालने के इरादे से पहुंचा, जहां से वो पुलिस को धोखा देकर फरार हुआ। फिर 15 फरवरी को दिन दहाड़े उसने अपने साथी अब्बास अली उर्फ गुलदस्ता के साथ मिलकर श्यामलाल के घर डाका डाला। इस जुर्म के लिए अदालत अब्बास अली उर्फ गुलदस्ता को 1 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है और मुन्ना को, जो इस शहर के लोगों के लिए एक दहशत बन चुका है, 1 साल तड़ी पार करने का हुक्म देती है। उसे इस 1 साल में इस शहर में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। अब तो आपको यकीन हो गया सर कि क्यों आपके पेशे पर से मेरा भरोसा उठ गया। मगर मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारा भरोसा वापस ला सकूं। उसके लिए आपको एक कीमत चुकानी होगी सर। तड़ीपार मुन्ना को वापस महेश देशमुख बनाने के लिए कोई भी कीमत चुका सकता हूं। फिर आप मुझे 24 घंटे की मोहलत दीजिए, आप मेरा भरोसा कीजिए, मैं आपका भरोसा करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। गाड़ी रोको। बेस्ट ऑफ लक।